हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 7th ऑफ मे। देखते करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, बहुत सारे बच्चे विजन आइज की मैगजीन के लिए कह रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली उसमें वीडियो शूट हो चुके हैं बट अपलोड नहीं हुए हैं, तो होपफुली आज से हम अपलोड करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो पॉल्ट्री हम खत्म करने की बातें कर रहे थे। पॉल्ट्री में बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं बट एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया 2 दिन से, इस वजह से आपके लेक्चर्स जो है अपलोड नहीं हो पाए, ठीक है। तो आज वो अपलोड हो जाएंगे, शाम में किसी भी हालत में हम अपलोड करवा देंगे उसको, ठीक है। तो अब आपको शाम को रेगुलरली विजन आया जो मैगजीन है ना, हमने बोला 2020 जनवरी 2020 से हम लोग करने वाले थे, हमने जनवरी का पॉलिटी किया था, तो आज फरवरी का आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी जो बहुत नए हैं उनको मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। इसके बारे में लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग अभी, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 10 मई से। जिनको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर लीजिए, पूरा आपका जीएस के जितने भी कोर्सेज होते हैं सारे कंप्लीट होंगे उसमें, इवन एसए के भी वीडियोज होंगे उसमें, ठीक है। और अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। पेमेंट वगैरह मैंने बता रखा था, हमारा DKSIS अकेडमी करके ऐप है, जस्ट आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे DKSIS अकेडमी, आपको जस्ट मिल जाएगा, ठीक है। रेड कलर का लोगो आ जाएगा। उसके अलावा अगर पेमेंट आप चाहे तो हमें डायरेक्टली भी कर सकते हो, अकाउंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूज है ऑक्सीजन आपूर्ति के संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। बेसिकली हुआ क्या, दिल्ली हमेशा चिल्लाती रही कि बेसिकली दिल्ली मतलब आम आदमी पार्टी जो सरकार है वो हमेशा कहती रही कि हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मतलब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कह दिया, केंद्र सरकार ने तो कह दिया है कि भैया हम आपको इतना इतने मीट्रिक टन बेसिकली गैस दे देंगे। मान लेते हैं आवंटन सब शुरू में शायद 500 कुछ समथिंग किया था, अभी 720 या 30 कर रखा है, ठीक है। 730 720 एमटी के आसपास कर रखा है। तो केजरीवाल हम यही कह रहे थे कि हमें जितना कोटा निर्धारित किया गया है वो हमें आने तक पहुंच नहीं रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये लोग बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, सही नहीं है, तो इस पर रुके रहे। तो ये लोग क्या क्या इन्होंने अपील की मतलब हाईकोर्ट में, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने भी सुबह मोटी नोटिस थोड़ा लिया, उन्होंने देखा कि क्या रीजन है, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा भैया ऑक्सीजन आप क्यों नहीं दे रहे हो, सारे राज्यों को अगर जितने ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी मिल रही है, तो अगर ये कह रहे हैं इतना इनको चाहिए, 900 MT चाहिए, 700 MT चाहिए, जितना कह रहे, तो एटलीस्ट आप दी तो दीजिए उनको। तो फाइनली क्या हुआ, हाई कोर्ट ने कहा देने के लिए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो इन्होंने इन्होंने मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो हमारी अवमानना है। अब बेसिकली क्या है, आपने कई बार मूवी देखी होगी कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, मतलब मेरी बात ही मेरा शासन है। एक्चुअली में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की मूवी वाली हालत है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट ने कुछ भी कह दिया, रिटिन में नहीं मुंह से बोल भी दिया ना कि ये चीजें होनी चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, राइट। तो हाई कोर्ट ने कहा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा हल्के में ले लिया, तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट कि सर ये तो हमारी अवमानना है, हमारी बातें नहीं मानी जा रही है। ये कहाँ लिखा गया है, कैसे क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो अवमानना के फैसले की अगर बात करें तो अवमानना का मतलब क्या होता है कि अवमानना में 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है सिविल अवमानना और दूसरा होता है आपराधिक अवमानना। मानना अवमानना, मानना मतलब मानते हैं, अवमानना मतलब नहीं मान रहे आप। मतलब सिंपल सा है, मैंने कहा कि बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, आप नहीं गए लाने पानी, राइट, आप पानी लाने नहीं गए, मतलब कुछ भी कह दिया। तो ये क्या हुई, जिस बड़े मतलब किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा आपसे, ठीक है, आप आपके दादा ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, आप उठे और चले गए पबजी खेलने, राइट। तो आपने क्या किया, अपने दादा की अवमानना कर दी ना, उनकी बात नहीं मानी, राइट। सेम ऐसे ही यहाँ पे है। तो अवमानना भी 2 तरीके होते, सिविल अवमानना मतलब जनरल जनरल अवमानना होती है, एक होता है आपराधिक अवमानना। अब आपराधिक अवमानना में क्या होता है, मतलब किसी को सजा देनी है, कुछ ऐसे काम करने हैं जिसमें मतलब कहीं ना कहीं बेसिकली क्या है कि अपराध उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और सिविल मामले मतलब कुछ जमीन का लफड़ा या कुछ ऐसा है, कुछ आदेश दे दिया कि ये काम आपको करना है, राइट, रिट होते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया के लिए दे दिया। जैसे कोई मान लेते कोई IAS है, आपका कोई काम नहीं कर रहा था जो उसके ज्यूरिडिक्शन में आ रहा था, आप जहाँ चले गए हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए, ठीक है, रिट लेके कि सर ये हमारे काम नहीं कर रहे हैं, डीएम साहब हमारा काम नहीं कर रहे, तो डीएम साहब आपको कौन आदेश देगा, हाई कोर्ट आदेश दे देगा कि आप इनका काम करिए। तो किसके तहत चले जाते हैं हम, कई बार रिट के थ्रू भी चले जाते हैं, राइट। तो बेसिकली सिविल का मतलब ये कि लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे, आपराधिक का मतलब लड़ाई झगड़ा रहेगा, सिंपल सा लॉजिक समझिए, ठीक है। अब आर्टिकल 129 है, 129 है जो कहता है आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और 215 किसके बारे में कहता है, 215 कहता है दोस्तों आपका हाई कोर्ट के बारे में। क्या कहता है कि अवमानना अगर आप करते हैं तो दोनों कोई भी दोषी व्यक्ति होगा उसको दंडित किया जा सकता है, राइट। इवन मैं तो आपको बता रहा हूँ कोई संस्था कोई सरकार अगर करता है तो अवमानना माना जाएगा, इवन
हाई, देखो कोर्ट कैसे काम करते हैं। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे कौन होता है हाई कोर्ट, उसके नीचे कौन होता है लोअर कोर्ट। सॉरी, मान लेते हैं कि अगर लोअर कोर्ट ने अमान्य कर दिया तो ठीक है, हाई कोर्ट ने कहा कुछ लोअर कोर्ट को और लोअर कोर्ट ने ना माना तो इनको भी दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो 1971 में अमान्य अधिनियम की धारा 10 है, जिसमें क्या है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है ना, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय को अमान्य करने पर भी दंडित, दंड संबंधित इसमें शक्तियां परिभाषित की गई है। मतलब ये है कि हाई कोर्ट अगर अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सजा देगा, अगर लोअर कोर्ट करता है तो इसको आप हाई कोर्ट, आप सोचो कि सर्वोच्च न्यायालय को करेगा तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है। जैसे प्रेसिडेंट हमारे यहाँ राष्ट्रपति से ऊपर कोई नागरिक है, प्रथम नागरिक किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है, तो राष्ट्रपति से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिकली राष्ट्रपति एक सिंबल होता है जो आपके संविधान का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, मतलब संविधान के थ्रू काम करता है, बेसिकली रक्षक तो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। तो जितनी चीजें मैंने बताई दोस्तों वो आप याद रखिएगा। इवन आर्टिकल 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें भी क्या है प्रतिबंध है। ठीक है, युक्ति निर्बंधन जिसको हम बोलते हैं, राइट, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हर चीज पे लगी रहती है। तो इतनी चीज याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिकल 129, 215। ठीक है, इवन जो आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, उनको भी क्या होती है अमानना के रूप में दोषित किया जा सकता है। ठीक है, चीन के खिलाफ दोस्तों जो G7 कंट्रीज है, बेसिकली वो एक मोर्चा निकालने की सोच रही है। ठीक है, सामूहिक मोर्चा, मतलब सारे देश एक साथ मिलकर करेंगे। अब है क्या ये, बेसिकली क्या है कि देखो चीन का आज के टाइम में देखेंगे तो सैन्य के क्षेत्र में या आप आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे ना, बहुत आगे निकल गए हैं। एक होता है आगे निकलना, एक होता है बहुत आगे निकलना। ठीक है, तो जो ये पश्चिमी देश है उनको एक भा नहीं रहा है। ठीक है, सॉरी, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो कोरोना का एक फैक्टर भी है, क्योंकि कोरोना कहाँ से आया था, वुहान सिटी जो आपका चाइना से आया था, तो वहाँ भी लोग कहीं ना कहीं उसको भी लेके परेशान है। ठीक है, तो अभी ये क्या एजेंडा अपना रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे आर्थिक रूप से, जितने भी ये लोग प्रक्रिया करते हैं खासतौर पे मतलब यूरोपियन कंट्री में या फिर नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा, USA, इन सब देशों में, राइट, इस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। तो अब G7 के बारे में चर्चा हो रही, G7 की स्थापना कब हुई थी ये याद रखना है, 1975 में हुई थी। ठीक है, और अगर इसमें बात करें तो शुरू में G8 के रूप में ही हुआ था, बट बाद में फिर G7 हो गया, फिर G8 हुआ, फिर G7 हो गया, क्यों होगा उसका रीजन समझेंगे। तो G7 में कौन कौन सी कंट्री संबंध मिलते हैं, सबसे पहले कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, जापान, UK और आपका USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, सात कंट्रियां हैं। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। बेसिकली पर्पस क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि कैसे इकोनॉमिक, ग्लोबल इकोनॉमी को हम आगे ले जाते हैं, ले जा सकते हैं। तो देखोगे आप तीन चीजें आपको देखने को कई बार मिलती होगी, तो G7, G8 और G20। तो हम अभी आगे मैप एक हम इमेज देखेंगे जिसमें समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें डिफरेंसेस क्या है और कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो बेसिकली 1998 में दोबारा से बेसिकली औपचारिक रूप से रशिया को ऐड किया गया। ठीक है, अब रशिया को अलग क्यों कर दिया गया, 2014 में क्या हुआ, एक तो जो पूर्वी यूक्रेन है ना, यूक्रेन में इन्होंने क्या किया, रूसी सैनिकों, मतलब रूसी सैनिकों को तैनात कर दिया, प्लस क्रीमिया को यूएसए ने, सॉरी, क्रीमिया को रशिया ने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। ये बड़ा ही मतलब बुरा माना यूरोपियन कंट्रीज ने। ठीक है, कहा ये सही काम नहीं है क्योंकि आप किसी देश पे कब्जा करने की सोच रहे हो, राइट। तो ये इस वजह से क्या हुआ, रसिया को यहाँ से निकाल दिया गया G8 से। G8 से एक रसिया घट गया तो क्या हो गया, G7 हो गया। अभी इमेज देखते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब ये देखो ये सब चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, आप 2020 का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिए, UPSC प्रीलिम्स 2020 का पेपर उठा के देखिए, पूछा था G20 में कौन कौन सी कंट्री है, चार पांच कंट्री ऑप्शन दिए थे, तो ये आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए दोस्तों कि ठीक है कौन कौन सी कंट्री G20 में, G7 में, G8 में, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्री आती है इसलिए आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे आप याद करोगे, एक बार में याद नहीं होगा, तीन बार चार बार पढ़ेंगे। जैसे अगर पढ़ोगे आप तो सिर्फ कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ लीजिए, जैसे भी मर्जी आपको पढ़ लीजिए, जर्मनी हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, US हो गया, इटली हो गया, जापान, फिर उसके बाद G8 में रसिया आ जाएगा, फिर G20 में कौन सी कंट्री आ जाएगी, टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। आप देखो तो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ ज्यादातर है इसमें, जिनकी इकोनॉमी ठीक ठाक है। ठीक है, थोड़ा सा आप मान सकते हो कि मैक्सिको है, थोड़ा सा लोअर इकोनॉमी है, इंडोनेशिया कहीं ना कहीं ठीक ही ठाक है, राइट,
और सऊदी अरब तो आपको पता है बड़ी कंट्री है राइट। तो आप याद करना चाहोगे तो बहुत सही याद हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, कॉन्टिनेंट वाइज याद करो, नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्री है। तो आपको नॉर्थ अमेरिका में आएगा ऊपर कनाडा याद आ जाएगा, फिर देन आपका अमेरिका याद आ जाएगा, देन उसके बाद मेक्सिको याद आ जाएगा। तीन कंट्री है तो आपको नॉर्थ अमेरिका से मिल जाएंगे। फिर साउथ अमेरिका हो जाओगे, जब साउथ अमेरिका आओगे आप तो आपको ब्राजील दिख जाएगा, ठीक है, ब्राजील अर्जेंटीना दिख जाएगा। तो ऐसे जब आप याद करोगे ना तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका में जाओगे तो आपको साउथ अफ्रीका मिल जाएगा। तो ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज जब घूमोगे ना आप तो आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर आप यूरोप में जाओगे तो यूरोपियन कंट्री जितनी है उसको देख लोगे। तो ये तरीका है, कॉन्टिनेंट वाइज याद करिए, ऐसे रट के याद करेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन कॉन्टिनेंट वाइज, कॉन्टिनेंट मतलब बेसिकली कॉन्टिनेंट को हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप। तो कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी कंट्री, अगर ऐसे आप देखोगे तो आपको ज्यादा चीजें इजिली याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री है, कनाडा है, अमेरिका है और मेक्सिको, ये तीन कंट्रियां देखो। एक तो यहाँ पे आपका कहाँ गया, ये कनाडा हो गया, ये यूएस हो गया, और आपका यहाँ पे मेक्सिको हो गया। तो तीन कंट्री हैं जो आपके कहाँ पे हैं, आपके नॉर्थ अमेरिका में। फिर वैसे ही साउथ अमेरिका में आ जाओगे, ठीक है। अब साउथ अमेरिका, अब ये उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने मैपिंग पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैंने मैपिंग बहुत बार कराया, अगर आपने मेरे से मैपिंग पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आ रही होंगी जो हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज पढ़िए, और जो लोग नए हैं उनसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। मेरा एनसीईआरटी का कोर्स भी है दोस्तों, तो आप एनसीईआरटी कोर्स चाहे तो 2,000 रुपये का, आप उसको ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एडीबी की, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक के नाम से इसको जानते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1966 में हुई थी बेसिकली, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। तो अभी क्या है, COVID-19 के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा फंड मतलब दिए हैं बेसिकली देशों को, ठीक है। मनीला में इनका हेडक्वार्टर है, 1966 में बना था एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। 68 सदस्य है, तो ये सदस्य याद रखिएगा, यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है सदस्यों को लेकर। तो एशिया प्रशांत से इसके 59 सदस्य हैं, थोड़ा सा ये याद रखिएगा, प्लस टोटल 68 है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मुझे जहां तक याद है 2019 के प्रीलिम्स में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, 2019 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था संस्थाओं पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2019 तक जो सबसे बड़े शेयर धारक मतलब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, तो एक तो जापान करता है, यूएसए करता है, चाइना करता है, भारत करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, ठीक है। तो बेसिकली एशिया और प्रशांत वाला जो रीजन है ना उसमें बेसिकली ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। तभी इनके गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, जितने ये 68 कंट्रीज है ना, इनके गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, निर्मला सीतारमण हमारी इंडिया की तरफ से गई थी, ठीक है, मतलब वर्चुअली हुआ था। तो बेसिकली याद रखिएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा चर्चा में है। तो याद रखिएगा पर्पज क्या है, बेसिकली ये है कि हम कैसे अब चीज़ों को विकास करें, इस पैंडेमिक के बाद हम चीज़ों से कैसे दुनिया से उभरें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, बेसिकली ये सारे पर्पज होते हैं इसमें, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब बात करें काचिन जनसमूह, काचिन पीपुल्स क्या है बेसिकली, काचिन पीपुल्स की बात करें दोस्तों तो बेसिकली अगर कि देखो यूपीएससी क्या पूछेगा, जैसे रोहिंग्यास के बारे में पूछ लेता था, रोहिंग्यास किस देश से संबंधित है, राइट। तो ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि काचिन किस देश से संबंधित है, तो याद रखिएगा म्यांमार, म्यांमार के नॉर्थ म्यांमार में ये बेसिकली ये लोग हैं, एक समूह है। वैसे कुछ ये पोर्शन मतलब इंडिया से भी लगता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी काचिन समुदाय के लोग रहते हैं, राइट। लेकिन आप बेसिकली अगर पूछेगा तो काचिन समुदाय कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो म्यांमार से। हाँ, ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि काचिन समुदाय क्या केवल म्यांमार में रहते हैं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में और असम में भी पाए जाते हैं लोग इस समुदाय का, इवन चीन के जो युवान प्रांत है ना, सटा हुआ देश है ये राज्य, इनका प्रांत, तो इधर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, देखो बहुत पुरानी स्कीम है, 2015 की है, ठीक है। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है ये पढ़ना है, कितने लोन बांट दिए, कितने लाख का लोन बांट दिया, ये कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, कितने लाख का हमने क्या किया लोन बांट दिया, नहीं, आपसे कभी नहीं पूछेगा। कब चालू किया गया, तो याद रखिएगा 2015 में। बेसिकली क्या है, लोन प्रोवाइड करते हैं कब, कितने रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, 2015 में चालू हुआ था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, जो आपके सरकार की एक अस्था मतलब सरकार की एक वित्तीय संस्था है, ठीक है। सरकार ने इसको बेसिकली गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। इसमें तीन प्रकार के लोन दिए जाते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका शिशु लोन, एक होता है किशोर लोन, और एक होता है तरुण, जैसे बच्चे होते हैं ना बड़े होते रहते हैं ऐसे ही। शिशु में 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 5 लाख, 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि आपका 1 रुपये से लेके यहाँ पे 50,000 तक, ठीक है, और यहाँ पे 50,000 से लेके 5 लाख तक, ठीक। उसके अलावा जो तरुण है वो 5 लाख से लेके दोस्तों 10 लाख रुपए तक,
ठीक है, तो लोन दिया जाता है। और याद रखिए कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। कोलेटरल मतलब इसके लिए आपको कोई कुछ जमा नहीं करना है कि भैया आपका अपनी संपत्ति का कागजात जमा करें तभी आपको लोन देंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जितने रेड वाले मार्क है ना, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। मैक्सिमम 10 लाख का लोन मिलता है, कौन देता है, मुद्रा योजना के तहत दिया जाता है, उस भारत सरकार के अंतर्गत, राइट, 2015 से चालू है, राइट, ये याद रखेंगे आपको। थोड़ा सा ये थोड़ी चीजें याद रखनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट जाता है। वैसे अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है तो मैं कहता कि आप एनबीएफसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एमएफआई क्या होते हैं, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं क्या होती हैं, बट ये थोड़ा सा जब इकोनॉमिक्स करेंगे ना तो वहां पे आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर अभी हम आपको कहेंगे पढ़ने के लिए। तो पार्कर सोलर प्रोब, बेसिकली देखो पार्कर सोलर जो प्रोब है दोस्तों, ये सूर्य के चक्कर लगा रहा है, बेसिकली सूर्य से पास जाके बेसिकली उसके फ्लेयर्स को उसको पढ़ने का काम कर रहा है, मतलब उसको जानने का काम कर रहा है कि सूर्य क्यों इतना गर्म है, ऐसा क्या हो रहा है सूर्य के अंदर, ये सारी चीजें इसका बेसिकली पार्कर सोलर प्रोब का काम है। लेकिन ये एक्चुअली सूर्य के पास से गुजरा तो यहाँ पे कुछ रेडियो सिग्नल्स मिले, ठीक है। अब अगर बात करें सॉरी सूर्य सूर्य ने शुक्र के पास से गुजरा, तो बेसिकली शुक्र के पास से जब गुजरा तो इसको कुछ रेडियो सिग्नल्स मिले, और बेसिकली क्या है कि ये कहा जा रहा है कि क्या हम शुक्र पे भी जीवन संभव है या कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखो सीधी सीधी भाषा में कहें तो शुक्र पे जीवन संभव नहीं है, क्यों, हम यहाँ पे कितने डिग्री टेम्परेचर झेल जाते हैं, 42 40 मतलब 37 से ऊपर होते ही हमारी हालत खराब हो जाती है यार, बहुत गर्मी लग रही है। शुक्र का टेम्परेचर पता है आपको कितना है, 462 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, हमारा ऑमलेट की तरह हम लोग फ्राई हो जाएंगे एकदम, 462 डिग्री सेल्सियस है, राइट, 864 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ निवास करने योग्य वातावरण तो नहीं है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो कुछ ना कुछ मतलब बेसिकली एटमोसफियर में बहुत सारे ऐसे होंगे केमिकल्स होंगे जो बहुत ज्यादा डेंजरस होंगे, विषाक्त होंगे, राइट, तो हमारी रहने योग्य तो नहीं है, राइट, ये तो आप समझ लीजिए और मान लीजिए, ठीक है। और पार्कर सोलर जो प्रोब है दोस्तों, ये एक्चुअली 7 साल के लिए सूर्य का परिक्रमा करेगा और वहां के वातावरण का अध्ययन करेगा, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो बस इतना यार, पार्कर सोलर प्रोब किसके लिए है थोड़ा सा ये याद रखिए, आपके एग्जाम्पल में से इतना रिलेवेंट है, ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। तो जितनी चीजें कही हमने आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना, आपको सारी न्यूज इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक। हाँ बैटरी लो हो गई है, ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना लगते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।